तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कथित मुलाकात की खबरों को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का सोशल मीडिया अफवाह फैला रहा है और इसके साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर बयान भी दिया है। कि अनिल देशमुख ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, आगरा लेख संपादक को लिखने का अधिकार है और बहुत सारी चीजें लिखी गई, लेकिन अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक चुने गए, 18 साल वो राज्य मंत्री और मंत्री पद पर रहे और पवार साहब ने सोच समझ के उन्हें जिम्मेदारी दी, वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री नहीं है। हाँ, और कुछ चीजें कही गई हैं, जैसे कि मीडिया में ज्यादा वो बयान दे रहे थे, लोकमत के कार्यक्रम को लेके कहा गया, कुछ नीचे दर्जे के अधिकारी कंट्रोल में नहीं थे। ठीक है, अगर कोई संपादकीय में कुछ उंगलियां उठाई जाती हैं, कुछ कमियां गिनाई जाती हैं, तो उसे सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। हम उसे सकारात्मक टीका मानते हैं और हमें लगता है गृह मंत्री भी अगर कमियां हैं तो दूर करने का काम करेंगे। पहली बार प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी, ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। सीधे जयपुर से मुंबई पवार साहब और प्रफुल्ल जी आए, आज वे कोचीन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है अफवाहें फैलाता है, कोई अखबार खबर चला देता है उसको लेके खबर चलने लगती है, ये मात्र अफवाह है, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।